हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक आफिया डेंटल क्लिनिक एंड इम्प्लांट सेंटर सिग्नेचर कॉलोनी ऑक्सीजन के सामने वीआईपी रोड छिंदवाड़ा रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर एमएस खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज दांतों के दर्द का इलाज सेरेमिक कैपिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट पायरिया का इलाज इम्प्लांट सुविधा स्माइल डिजाइनिंग दांतों की सड़न का इलाज दांतों की सफाई मेटल एवं सेरेमिक फिक्स्ड ब्रिज आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसिस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की 1,31,00,000 लाडली बहनों के खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर की राशि चौथी किश्त में बहनों को प्रदान की 1,250 रूपए। ईएलसी चर्च के सामने स्थित पार्किंग की जगह पर कुछ लोग कर रहे अतिक्रमण मसीह समाज के सदस्यों ने विरोध करते हुए दर्ज कराई शिकायत। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प ने किया मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन पत्रकार वार्ता कर दी महत्वपूर्ण जानकारियां। और पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में पुलिस बल ने किया बलवा परेड का अभ्यास भीड़ नियंत्रण करने को लेकर करवाई गई तैयारियां। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं महिमा पाटिल। तो अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 अक्टूबर को बुरहानपुर में आयोजित लाडली बहना सम्मेलन कार्यक्रम में प्रदेश की 1,31,00,000 बहनों के खातों में लाडली बहना योजना की चौथी किश्त 1,250 रूपए ऑनलाइन ट्रांसफर की। वार्ड क्रमांक 25 राजपाल चौक में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत बुरहानपुर में आयोजित इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा गया। इस अवसर पर जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, नेता प्रतिपक्ष विजय पांडे, नगर निगम कमिश्नर राहुल सिंह सहित अन्य भाजपा नेता व बड़ी संख्या में मातृशक्ति बहनें उपस्थित रही। कार्यक्रम के दौरान सभी ने मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए उद्बोधन को सुना। साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित भाजपा नेताओं ने लाडली बहनों को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। सभी बहनों के खाते लिंक करने के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नगर निगम में नेता विपक्ष सम्मानी श्री विजय पांडे जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे कमिश्नर साहब, हमारे बूथ के अध्यक्ष मनोहर ठाकरे जी, लक्ष्मण सिंह सेंगर जी, विश्वनाथ कपाले जी, किशोर बागी जी, यश गंगूरकर जी, आशीष राय जी, जयंत ठाकरे जी, यहाँ पर उपस्थित समस्त मेरी बहनों बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी मध्य प्रदेश की 1,32,00,000 बहनों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए, उनके जीवन में एक नया सवेरा लाने के लिए माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा यह योजना लाई गई। और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जब यह लाडली बहना योजना की शुरुआत करी थी तो शुरुआत हुई थी 1,000 रूपए से, और उसी दिन माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा था कि इसको आगे जाकर के 3,000 रूपए तक के लेकर के जाएंगे, और इसकी शुरुआत हो चुकी है। 1,250 रूपए आपके खाते में आने वाले हैं और बहुत जल्द हमारी बहनों के खाते में 3,000 रूपए माननीय शिवराज सिंह चौहान जी डालने का काम करेंगे। नागपुर रोड स्थित ईएलसी चर्च के सामने पार्किंग वाली जमीन पर कुछ लोगों के द्वारा अतिक्रमण कर कब्जा किया जा रहा है, जिसको लेकर आज मसीह समाज के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया और सिटी कोतवाली पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। मसीह समाज के सदस्यों का कहना है कि कई वर्षों से ईएलसी चर्च के सामने स्थित इस भूमि पर चर्च की पार्किंग होती है, जिसे किसी प्रकार से कुछ लोगों द्वारा कब्जा किए जाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि किसी भी धार्मिक स्थल के सामने अतिक्रमण या अवैध निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता, इसीलिए मसीह समाज इसको लेकर विरोध कर रहा है। चलेगा।
चर्च की जमीन पे कुछ भूमाफिया लोग अवैध चर्च की पार्किंग की जगह पे अवैध निर्माण कर रहे हैं, ना कोई आरआई से पूछे ना कुछ करे, और ये अवैध कब्जा कर रहे हैं, तो जिसका ईसाई समाज विरोध कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारा की कोई भी ज़मीन के आसपास कोई अवैध निर्माण नहीं कर सकता, लेकिन ये कुछ अपना अवैध फर्जी बना के इसका सालों से विवाद चल रहा है, लेकिन आज ये कुछ भूमाफिया लोग आके अतिक्रमण कर रहे हैं जिसका ईसाई समाज विरोध करता है। सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए शहरवासियों को ये जानकारी देना चाहता हूँ कि चर्च से लगी हुई ज़मीन में जो टुन्नू पाटनी ने नगर सुधार न्यास के ज़माने में लिया था, उस समय में पार्षद था और मैंने उसका घोर विरोध किया था, क्योंकि वो ज़मीन जो है शिक्षा विभाग में आज तक है और अभी भी उसका किसी तरीके से परिवर्तन नहीं हुआ है उस ज़मीन का, और शिक्षा विभाग की ज़मीन थी, सुधार न्यास ने अपनी ताकत पे लिया था और सुधार न्यास ने इसकी नीलामी की थी, जिसमें डॉक्टर सिरपुरकर की पत्नी ने भी नीलामी में हिस्सा लिया था, बाद में ये टुन्नू पाटनी को मिली, और ये पूर्ण रूप से ये जो ज़मीन है ये लगभग 127 साल से हमारे कब्जे में है। 90 साल की लीज थी हमारी, सामने चर्च है और चर्च के सामने किसी भी और किसी की प्रतिछाया बन नहीं सकती, ये सुप्रीम कोर्ट का सीधा सीधा आदेश है, नंबर एक। नंबर दो, ये बात ज़रूर है कि इसमें हमारे कुछ लोगों की पूर्व बुज़ुर्गों की बहुत बड़ी गलतियां हुई हैं, जिन्होंने उन्हें बिना सोचे समझे एनओसी दे दिया था, जिसमें ऐसे ब्राउन साहब थे और पुराने पंचायत के सदस्य थे जिनके मैं नाम नहीं लेना चाहता, और ये ज़मीन का विवाद लगभग पिछले 27 से 30 साल हो गए ये विवाद चले आ रहा है। कोई बोलता है कि हाई कोर्ट का ये निर्णय हो गया है, तो हाई कोर्ट में भी सही जानकारी नहीं देने के कारण ये हो सकता है। हम फिर से इसके लिए एक रिट पिटीशन जारी करेंगे, हमारे बिशप महोदय बहुत जल्दी आने वाले हैं, और जैसे ही वो अपने पद को ग्रहण करते हैं वैसे ही हम हाई कोर्ट का पुनर्दरवाज़ा खटखटाएंगे, डबल बेंच, सिबल बेंच, 5 बेंच, इसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट को भी दरवाज़ा खटखटाएंगे, क्योंकि न्याय वहीं से मिलेगा, और जो मैं बात कर रहा हूँ वो किंवदंती नहीं है, सच्चाई है, और हमने लड़ी है ये लड़ाई। ख़ास तौर पे 11,64,000 देने के बाद भी वो सामने वाली ज़मीन को हमको ख़रीदना पड़ा मजबूरी में, और वो आज भी रजिस्ट्री नहीं हुई है नगर पालिका के द्वारा, जो पहले सुधार न्यास था, और सुधार न्यास का नियम था जब वो समोजित हुई नगर पालिका में तो जिस स्थिति में जो ज़मीनें हैं खरीदी हुई है या बिक्री हुई है उसका परिपालन पूर्ण रूप से नगर पालिका को करना होगा, लेकिन हमारे लोगों ने उसको उदासीनता से देखा, और जब अब गड्ढे खोदने लगे हैं तो जगह हैं लोग, और जिस लल्ला स्वामी को लोग बुरा बोलते थे वही लड़का अभी सामने आके इस बात की लड़ाई लड़ रहा है और बोल रहा है कि ये ईसाई समुदाय का मामला है। ये ईसाई समुदाय का मामला नहीं है, ये शहर की ज़मीनों का मामला है। मुझ पर भी आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन जहाँ सच्चाई है वहाँ सच्चाई है, मुझे इसके लिए कोई स्पष्टीकरण देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चर्च के सामने हम अपनी जान भी देने की नौबत आएगी तो हम सड़कों पे सो जाएंगे, लेट जाएंगे, लाइन आर्डर की परेशानी हो सकती है। ये धमकी नहीं है, एक चेतावनी है,
जो मैं प्रशासन से भी हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि चूंकि अब आचार संहिता लग रही है और ऐसा कोई विवाद अभी शहर में नहीं होना चाहिए जिसके कारण कि लाइन ऑर्डर की स्थिति बिगड़े, तो मैं माननीय सारे वरिष्ठ अधिकारियों से, चाहे हमारे आईजी हों, डीआईजी हों, एसपी साहब हों, टीआई साहब हों और नाना प्रकार के जो राजस्व के बड़े अधिकारी हैं, जिसमें कलेक्टर साहब हैं, एडिशनल कलेक्टर साहब हैं और एसडीएम साहब हैं, तहसीलदार हैं, वो इन चीज़ों को देखें, हमारा मार्गदर्शन करें और इस ज़मीन को जिस समय लिया गया है वो ज़मीन का अगर पैसा भी देना पड़े तो हम देने को तैयार हैं, क्योंकि हम लड़ाई झगड़ा चाहते नहीं। वैसे ही मसीह लोग बहुत शांति प्रिय लोग हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो वो सिर्फ अपने समाज में ही लड़ सकते हैं, बाहर हिम्मत नहीं होती है। लेकिन हम वो लोग हैं जो पूर्ण रूप से लड़ने के लिए सक्षम है, तैयार है और अपने चर्च की इस ज़मीन को बचाने के लिए हमारा खून भी बहे तो हम इसके लिए तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में 4 अक्टूबर को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प ने जिले की फाइनल मतदाता सूची का प्रकाशन किया और पत्रकारों को आवश्यक जानकारियां दी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में जिले की 7 विधानसभा सीटों पर 16,19,101 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। विधानसभा चुनाव के लिए जिले भर में कुल 1934 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जिले की 7 विधानसभाओं में से सबसे अधिक मतदाता छिंदवाड़ा में 2,81,683 है और सबसे कम वोटरों वाली विधानसभा सौसर है, जहां 2,10,187 मतदाता वोट देंगे। यहां हम आपको बता दें कि जिले की अनुमानित जनसंख्या 23,50,247 है। इस चुनाव में 70,349 मतदाता पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। केवल तब तक प्रोसेस कर सकते हैं जब तक कि मतदान की घोषणा नहीं हो जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि आज जैसे हम मतदाता सूची का वाचन कर रहे हैं, कुछ हमने मिलान किया था तो उसमें कमियां मिली है, तो हम उनके फॉर्म 7-8 आज प्राप्त कर सकते हैं, कल प्राप्त कर सकते हैं, परसों प्राप्त कर सकते हैं। जिस दिन तक मतदान की घोषणा नहीं हो जाती है तब तक प्राप्त कर सकते हैं। फॉर्म 6 मतलब नए नाम जोड़ने का जो प्रक्रिया है, नए नाम उस दिन तक हम जोड़ सकते हैं जिस दिन नॉमिनेशन लेने। खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए सिटी हलचल। SS कलेक्शन, ELC चौक, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। लेडीज फैशन की दुनिया में एक नया शाहकार SS कलेक्शन, जहां आपको मिलेगी सभी तरह की लेडीज फैशन की शहर की सबसे बड़ी श्रृंखला। एक ही छत के नीचे डिजाइनर साड़ियां, वैवाहिक साड़ियां, AD सेट, वेडिंग लाचा, कॉटन और प्रिंटेड साड़ियां, खूबसूरत लहंगे, एक से बढ़कर एक फैशनेबल सलवार सूट, गाउन, टॉप, फ्रॉक सूट, ड्रेस मटेरियल और लेडीज इनरवेयर। SS कलेक्शन, आपके मनपसंद फैशन की ऐसी दुनिया, जहां एक बार आकर आपको मिलेगी लेडीज कपड़ों की भरपूर रेंज। SS कलेक्शन, ELC चौक, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। हाय अनु। हाय, बहुत दिनों बाद मिली हो। हाँ यार, बस निकली हो शॉपिंग करने। हाँ यार, मैं भी उसी के लिए निकली हूँ। देखो ना, मम्मी ने कितनी बड़ी लिस्ट थमा दी है। समझ में नहीं आ रहा इतनी सारी शॉपिंग कहाँ से करूँ। अरे तो अपने सिटी भी किसी मेट्रो सिटी से कम है क्या? क्राफ्ट इंडिया लगा हुआ है अपने शहर में, जहाँ पे सब चीजें एक ही जगह पे मिलती है। क्राफ्ट इंडिया, क्राफ्ट इंडिया, क्राफ्ट इंडिया। हाँ चल। नागपुर की सुपर स्पेशलिस्ट स्त्री रोग विशेषज्ञ अब छिंदवाड़ा में। जी हाँ, सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नागपुर रोड, चंदन गांव में।
अब आप प्रसिद्ध गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर शिवांगी वर्मा से परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। गर्भवती महिला की समस्त जांच एवं उपचार, निसंतान दंपत्ति का इलाज IVF पद्धति से, हाई रिस्क डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी और सीजर द्वारा डिलीवरी के साथ ही बच्चेदानी एवं अंडाशय में गठान का होना, बंद नसों को खोलना एवं महावारी से संबंधित समस्याओं के साथ ही गुप्तांगों में खुजली, सफेद पानी और स्तन की गांठ का उपचार एवं ऑपरेशन। सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर शिवांगी वर्मा के मार्गदर्शन में मिलने का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक और शाम 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करें 9109066916 पर। सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सेंट्रल बैंक के सामने नागपुर रोड चंदनगांव छिंदवाड़ा। सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आयुष्मान योजना के तहत न्यूरो सर्जरी एवं हड्डियों के सभी ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लेमिनेट द्वारा सौंदर्यकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लूरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। नैयर फर्नीचर एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स। नैयर फर्नीचर आपके लिए लेकर आए हैं फर्नीचर की एक से बढ़कर एक आकर्षक विशाल रेंज। नैयर फर्नीचर में आप पाएंगे सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, डबल बेड, सिंगल बेड, ऑफिस फर्नीचर एवं फर्नीचर की समस्त रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स संपूर्ण ब्रांडेड रेंज, LED, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, AC एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू आइटम की विशाल रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम। नैयर फर्नीचर नागपुर रोड एवं परासिया रोड छिंदवाड़ा एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स नागपुर रोड छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते कुछ और खबरों की ओर। छिंदवाड़ा की पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में आज जिला पुलिस बल द्वारा बलवा परेड का अभ्यास किया गया, जिसमें सभी पुलिस कर्मियों को भीड़ नियंत्रित करने की तैयारियां कराई गई। शहर में होने वाली किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस द्वारा बलवा सामग्री को पहनना, किस प्रकार बलवा करने वालों को नियंत्रित किया जाना है, इसका अभ्यास किया गया। अभ्यास के दौरान DSP यातायात रामेश्वर प्रसाद चौबे, CSP अजय राणा, महिला प्रकोष्ठ DSP प्रियंका पांडे, रक्षित निरीक्षक आशीष तिवारी, कोतवाली TI उमेश गोलानी, यातायात TI कुंवर उदय, सूबेदार राकेश तिवारी, सूबेदार लोहित शेंडे तथा पुलिस लाइन एवं अन्य थानों के लगभग 100 जवान उपस्थित रहे। आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए भी इन बलवा परेड को देखा जा रहा है कि यदि कोई अप्रिय घटना होती है तो उस समय पुलिस द्वारा भीड़ को किस प्रकार नियंत्रित किया जाए। इसे देखते हुए पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में बलवा परेड की गई। गोली चलाई जाएगी।
राउंड फायर किए हैं, दो लोग घायल हुए, इन्हें जिला अस्पताल में इलाज के लिए भेजवाया। ये हमारे पुलिस की भाषा में बलवा ड्रिल का अभ्यास ऐसे बोला जाता है, एक पुलिस विभाग के लिए एक नियमित ड्रिल के रूप में ये होती है। काफ़ी समय से इस ड्रिल को कराया जाना था, हमारे जिले के पुलिस अधीक्षक श्री विनायक वर्मा जी द्वारा हमें निर्देशित किया गया था कि एक बार पुलिस लाइन को थाने के समस्त बल को बलवा ड्रिल की रिहर्सल कराई जाए। उसी कड़ी में आज प्रथम दिवस के रूप में जो बल उपस्थित था उसको बलवा ड्रिल की रिहर्सल कराई गई है, ताकि कभी ऐसी कोई अगर अप्रिय स्थिति आती है जिसमें कोई भीड़ को तितर बितर करना हो तो हमारे अधिकारी कर्मचारी अपने दायित्वों का निर्वहन अच्छे रूप से कर सकें और उन्हें इस ड्रिल के माध्यम से पता रहे कि हमको कब क्या करना है, ताकि हम किसी प्रकार की भीड़ को नियंत्रित कर सकें। आने वाले समय में समस्त थाने के एक एक कर्मचारियों को इस प्रकार की ड्रिल कराए जाने के आदेश हमें पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त हुए हैं, तो इस प्रकार की ड्रिल आप आने वाले समय में लगातार देखेंगे तो पुलिस लाइन के परिसर में कराई जाएगी। जिला चिकित्सालय में आज उस समय हड़कंप मच गया जब डॉक्टरों ने हड़ताल शुरू कर दी और मरीजों को देखने से मना कर दिया। दरअसल मेडिकल डीन की तानाशाही के कारण शासकीय डॉक्टर परेशान हैं। जिला चिकित्सालय में डॉक्टर के पहुंचने का टाइम सुबह 9 बजे का है, मगर सुबह 9 बजे कोई भी डॉक्टर समय पर नहीं पहुंचा। निरीक्षण करने पहुंचे मेडिकल डीन ने कुछ देर इंतजार किया, उसके बाद अटेंडेंस रजिस्टर पर सभी की अनुपस्थिति दर्ज कर दी। इस बात की जानकारी लगते ही डॉक्टरों ने जिला चिकित्सालय में हंगामा शुरू किया और जिला चिकित्सालय के सामने धरने पर बैठ गए, जिसके कारण जिला चिकित्सालय इलाज कराने पहुंचे मरीज लगभग 2 घंटे तक परेशान होते रहे। जानकारी लगते ही मेडिकल डीन तुरंत जिला चिकित्सालय पहुंचे और डॉक्टर और डीन के बीच आपसी समझौते के चलते फिर से डॉक्टर ने अपना कार्य प्रारंभ किया। डॉक्टरों की मांग पर मेडिकल डीन ने हाजिरी रजिस्टर पर सभी की उपस्थिति दर्ज की, जिसके बाद मामला शांत हुआ और डॉक्टरों ने पुनः कार्य प्रारंभ किया। चौकसी कॉलोनी में रहने वाले राधेश्याम मालवी के 13 वर्षीय दिव्यांग पुत्र को लगने वाली मशीन के लिए आज समाज सेवी दयानंद चौरसिया ने जन सहयोग से एकत्रित कर 21,000 रुपए की राशि प्रदान की। राधेश्याम मालवी चौकसी कॉलोनी वार्ड नंबर 41 के निवासी है, जो कि मजदूरी करके परिवार का जीवन यापन करते हैं। इनका 13 वर्षीय पुत्र कृष्णा मालवी जो कि दिव्यांग था और सुन नहीं सकता था, जिसका कोक्लियर इम्प्लांट्स ऑपरेशन भोपाल स्थित क्लिनिक में 10 जुलाई 2015 को किया गया था, जिसमें उसे कुछ मशीनें लगाई गई थी जिसकी मदद से वो सुनने लगा था। वर्तमान में मशीन प्रोसेसर की एक क्वाइल खराब हो जाने के कारण उसे सुनाई देना बंद हो गया। मशीन में लगने वाले पार्ट्स की जानकारी देते हुए राधेश्याम मालवी ने बताया कि उन्हें 85,000 रुपये की जरूरत थी, जिसके लिए उसने शासन प्रशासन व राजनेताओं से मदद की गुहार लगाई, पर उसे आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। ऐसे में उन्होंने समाजसेवी दयानंद चौरसिया से संपर्क कर उन्हें अपने पुत्र की समस्या बताई, जिससे समाजसेवी दयानंद चौरसिया ने मदद का हाथ बढ़ाते हुए शहर में पिछले 3 दिनों से घूम घूम कर लोगों से जन सहयोग मांगा और 21,000 की राशि एकत्रित कर राधेश्याम मालवी को प्रदान की। इस अवसर पर राधेश्याम मालवी ने दयानंद चौरसिया सहित समस्त दान दाताओं का आभार व्यक्त किया। जी, आपने राशि दी है, किस उद्देश्य से दी है और किस लिए दी है? इन्होंने संपर्क किया है, जब इन्होंने सब जगह से मदद मांगी, कहीं से इनको कई नेताओं के पास भी गए और कई सरकारी मदद भी मांगी है, पर कहीं से इनका सहयोग नहीं हुआ। तो कुछ मित्रों का यहाँ से फ़ोन आया कि इनका सहयोग किया जाए, क्योंकि इनके बच्चे की जो सुनने की एक मशीन है, जो इनने बताया ऑपरेशन इस बच्चे का भोपाल में हुआ था, एक मशीन
सर के अंदर डली हुई है, एक बाहर डली हुई है, जिसका हर 8 साल में मेंटेनेंस लगता है। और वो मशीन के स्पेयर पार्ट्स करके 85,000 के आते हैं। अब ये प्रेस करते हैं है ना, ये इतने मध्यम वर्ग से हैं तो इसका खर्चा नहीं उठा पा रहे थे, तो दोस्तों के द्वारा बताया जन सहयोग करना है, तो आज मैं 3 दिन से इनके साथ घूमा हूँ और घूम के आज 21,000 रुपये जन सहयोग से इनको दिया हूँ। और मैं सभी शहरवासियों का, दानदाताओं का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने यह राशि दी है। नाम आपका? दयानंद चौरसिया। मेरा बच्चा बोल सुन नहीं सकता, इसके लिए मशीन के लिए मैं भोपाल में ऑपरेशन हुआ 8 साल पहले, जिसका 2 पार्ट से एक पार्ट से अंदर से ख़राब हो गया है। बाहर की एक मशीन लगती है जो 85,000 की आती है। मैं सभी जगह गया लेकिन मुझे बस यही दिया गया आश्वासन कि हो जाएगा। ये दयानंद भैया ने मेरे साथ घूम के मुझे 21,000 की राशि दिलवाई और मेरे बच्चों के लिए बहुत मदद की है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कब से परेशान हो तुम? मैं तो भैया एक महीने से परेशान हूँ भैया। 3 दिन से मेरे साथ घूम रहे हैं। कितने की ज़रूरत है आपको? मेरे को 85,000 की ज़रूरत थी, लेकिन डॉक्टर साहब से मैंने बात किया तो उन्होंने 10,000 कम करके 75,000 की मशीन बताई मुझे, जिसमें मेरे पास 35,000 का मैं अपनी तरफ से कर दिया भैया ने, दयानंद भैया ने मेरे को 21,000 की राशि प्रदान करवाई इनके तरफ से। उन्होंने बहुत सहयोग किया मेरा और अभी मुझे थोड़े और ज़रूरत है, लेकिन ऊपर वाले की और भैया आप लोगों की, भैया लोगों की मदद से वो भी हो जाएगा। भैया का बहुत बहुत धन्यवाद, भैया ने मेरी मदद की। नाम आपका? मेरा नाम राधेश्याम मालवी। कहाँ रहते हो? चौक से कॉलोनी वार्ड नंबर 1। खबरों में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए सिटी हलचल। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले के मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4%, तृतीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म, आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास बालाजी पब्लिक स्कूल। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने, उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेंड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 acres, खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। CBSE affiliated Edify School, Head Office, Hyderabad,
अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आंख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आंखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते कुछ और खबरों की ओर। अमरवाड़ा तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत कोलिया के ग्रामीण आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और ग्राम की नदी में पुल पुलिया निर्माण कराए जाने की मांग रखी। ग्रामवासियों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि ग्राम में पड़ने वाली नदी पर अभी तक पुलिया का निर्माण नहीं किया गया, जिससे उन्हें भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बारिश के दिनों में गांव के बच्चों को स्कूल आने जाने में भी परेशानियां उठानी पड़ती है, साथ ही किसानों को भी अपने काम में दिक्कत होती है। इसलिए प्रशासन शीघ्र अतिशीघ्र कोलिया की नदी पर पुलिया का निर्माण करवाए। अगर उनके गांव की नदी पर पुलिया निर्माण नहीं की जाती है तो वे आगामी समय में होने वाले चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हमारे ग्राम कोलिया में अम्मा माई नदी की पुलिया निर्माण कार्य के लिए सतत चार पंचवर्षीय से प्रयासरत है, लेकिन अभी तक हमारे ग्राम कोलिया में अम्मा माई नदी में पुलिया निर्माण कार्य नहीं हो रहा है, जो कि हर विभाग में दिया गया, लेकिन अभी तक किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। REIS में भी दिए हैं, जनपद में दिए, जिला में दिए और इससे पहले भी ज्ञापन सौंपे, लेकिन आज तक किसी प्रकार से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। माननीय महोदय से निवेदन है कि पुलिया निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान करें। कितने गांव पड़ते हैं इसमें? उस पांच गांव पड़ते हैं। क्या परेशानी होती है पुलिया नहीं होने से? परेशानी इस बात की सर कि उस नदी से बच्चों के आवागमन होते हैं, स्कूल के बच्चों की, प्लस पॉइंट राशन की दुकान जो कोलिया से आते जाते हैं, और उसी से संबंधित ग्राम कोलिया के किसान 60 किसान के समथिंग में वहां से आवागमन करते, जो कि बहुत ही समस्या है। नदी पार करने में बहुत दिक्कत होती है, पुलिया निर्माण कार्य होना अनिवार्य है। हाँ, यदि पुलिया निर्माण कार्य नहीं होगा तो हमारे ग्राम कोलिया में चुनाव का बहिष्कार होगा। क्यों भाई साहब? नहीं 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 होगा, नहीं होगा। पुलिया नहीं तो चुनाव नहीं होगा। नाम आपका? चुनाव का बहिष्कार होगा। आपका नाम? हमारे ग्राम कोलिया का मानना है। ठीक, आपका नाम? हरिराम नागवंशी, ग्राम पंचायत कोलिया से सरपंच पति, भूतपूर्व सरपंच काशीराम बंजारा जी, और हमारे ग्राम पटेल मुकदम सुमेर चंद नागवंशी, हमारे पटेल साहब केवल पटेल चंद्रवंशी, ऐसे सभी ग्रामवासी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तुलेराम बंजारा जी BJP अध्यक्ष ग्राम कोलिया से, ऐसे सभी हमारे वरिष्ठ लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जो कि सभी का एक ही कहना है कि हमारे ग्राम कोलिया में पुलिया नहीं तो वोट नहीं, इस प्रकार से सभी का कहना है। आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ ने आज मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए अपनी मांगे रखी। आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ का कहना है कि विगत दिनों मुख्यमंत्री द्वारा अतिथि शिक्षकों को लेकर कुछ घोषणाएं की गई थी, पर अभी तक उसके आदेश जारी नहीं किए गए हैं, जिसको लेकर प्रदेश भर के समस्त जिलों में अतिथि शिक्षकों के द्वारा ज्ञापन सौंपकर मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं के आदेश आचार संहिता लगने के पहले जारी करने की मांग की जा रही है। आज प्रदेश व्यापी आह्वान पर आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ मध्य प्रदेश के तत्वाधान में मध्य प्रदेश के संपूर्ण जिलों में जिला स्तर पर जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया जा रहा है कि जो अतिथि शिक्षक महापंचायत 2 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने आयोजित की है और जो अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए घोषणाएं की हैं, उनसे संबंधित सभी आदेश आचार संहिता लगने से पूर्व जारी कराने के लिए हमने यह निवेदन करने के लिए ज्ञापन संपूर्ण मध्य प्रदेश के जिलों में दिया है। साथ ही छिंदवाड़ा जिले से भी हम निवेदन करना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं की हैं, उनसे संबंधित सभी आदेश आचार संहिता लगने से पूर्व यथाशीघ्र जारी करें। साथ ही
हमारी कुछ जिला स्तरीय समस्याएं हैं जो जिला शिक्षा अधिकारी महोदय और सहायक आयुक्त महोदय जनजाति कार्य विभाग से संबंधित हैं। कई बार हमने इसके संदर्भ में ज्ञापन दिया, वार्तालाप किया और कि जिले के अतिथि शिक्षकों की समस्याओं को सुने, लेकिन आज तक उनके साथ कोई सुनवाई नहीं हुई है। कई बार जन सुनवाई में कलेक्टर महोदय के सामने भी खड़े हुए, कलेक्टर महोदय ने भी उनको निर्देशित किया और सीएम हेल्पलाइन भी लंबित हैं, लेकिन आज दिनांक तक किसी भी अतिथि शिक्षक की सुनवाई नहीं हुई है। साथ ही 6 महीने से भी वेतन नहीं मिला है। अतिथि शिक्षक बहुत सारे परेशान हैं। इन समस्त समस्याओं के साथ हम आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और जिला शिक्षा अधिकारी महोदय और सहायक आयुक्त महोदय को हम यहाँ पर बुलाना चाहते हैं और हमारी समस्याएं बताना चाहते हैं और हमारी जो समस्याएं हैं उनसे संबंधित कार्रवाई हमारे हित में क्यों नहीं की जा रही है, हम ये भी उनसे जानना चाहते हैं। मैं संतोष कहार, जिला अध्यक्ष छिंदवाड़ा एवं प्रदेश महासचिव आज़ाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ छिंदवाड़ा। सारी समस्याएं बताई हैं कि कुछ नियुक्तियों में कहीं कहीं उनके द्वारा बताया जा रहा है कि भेदभाव किया गया है। इसकी मैं पूरी जांच करवा रहा हूं। मैंने जिनके जिनके ऐसे आवेदन आए हैं एक जांच समिति गठित कर दी है, वो जांच करेगी, जो सही होगा उसका उसी संबंध में निर्णय लिया जाएगा। दूसरा, उनकी कुछ वेतन से संबंधित शिकायतें हैं कि पिछले कुछ माहों का वेतन उनका रुक गया है, अब वो देखते हैं कि उसमें क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है और यदि कहीं बंटन की ज़रूरत होगी तो बंटन प्राप्त करके और उनका पेमेंट जल्दी ही से पूरा करा दिया जाएगा। तो आरोप भी है कि जो प्रचार है वो लापरवाही कर रहे हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, आवेदन वगैरह नहीं, नहीं। देखो, एक्चुअल में इस संबंध में क्या है, शाला की जो प्रबंधन समिति होती है वही नियुक्ति करती है, वही अपने शाला लेवल में विज्ञापन जारी करती है, आवेदन लेते हैं, उसके मेरिट बनाते हैं, मेरिट के आधार पर नियुक्तियाँ होती हैं। अब इनके द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं तो वो व्यक्तिगत एक एक व्यक्ति का देखना पड़ेगा कि वास्तव में सही आरोप है या गलत आरोप है। टीम गठित की गई आपके द्वारा? हाँ, हमारे द्वारा टीम गठित कर दी गई है ऑफिस में और वो जांच भी कर रही है। अभी जो भी जांच में निष्कर्ष आएगा उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। ग्राम नवेगांव के किसानों ने आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और विगत दिनों हुई तेज बारिश के चलते फसलों को हुए नुकसान का उचित मुआवजा दिए जाने की मांग रखी। ग्राम नवेगांव पोस्ट उमरिया इसरा के ग्रामीण कृषकों ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि 21 सितंबर को 4 बजे से 7 बजे तक जो बारिश हुई उससे वहां की नदी का पानी ऊपर आ गया, जिसमें कि लगभग 30 किसानों की फसल बह गई और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि प्रशासन ने तत्काल इस जगह का मुआयना कर आवश्यक कार्यवाही की, पर अभी तक उन्हें फसल नुकसान से संबंधित मुआवजे को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई, जिसके कारण वे कलेक्टर से शीघ्र मुआवजा दिए जाने की मांग करने पहुंचे थे। राज पहलवान डाल दो। जी बताइए। 21 तारीख को 4 बजे से शाम 7 बजे तक 2-2.5 घंटे बहुत बारिश हुई ग्राम नवेगांव पोस्ट इसरा उमरिया इसरा। इतनी भयानक बारिश हुई कि पास में गांव के किनारे जो पनघटा नदी है उसके दोनों साइड पूरा पानी नदी के आजू बाजू से बह गया, जैसे पूरी फसल खराब हुई। यहाँ के अधिकारी लोग भी गए थे, RI साहब, उन्होंने चेक भी की और उसके बाद अभी तक कुछ हमें संतोषजनक जवाब अभी आदेश हुआ नहीं। हम ये चाहते हैं कि हमें उचित मुआवजा दिया जाए गाँव वाले। क्या नाम है? मैं ब्रजमोहन साहू। अंत में समेट लेते हैं तमाम खबरों को एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक आफिया डेंटल क्लीनिक एंड इम्प्लांट सेंटर, सिग्नेचर कॉलोनी, ऑक्सीजन के सामने VIP रोड छिंदवाड़ा।
रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा, लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सेरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की 1,31,00,000 लाडली बहनों के खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर की राशि, चौथी किश्त में बहनों को प्रदान किए 1,250 रूपए। ईएलसी चर्च के सामने स्थित पार्किंग की जगह पर कुछ लोग कर रहे अतिक्रमण, मसीह समाज के सदस्यों ने विरोध करते हुए दर्ज कराई शिकायत। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प ने किया मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन, पत्रकार वार्ता कर दी महत्वपूर्ण जानकारियां। और पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में पुलिस बल ने किया बलवा परेड का अभ्यास, भीड़ नियंत्रण करने को लेकर करवाई गई तैयारियां। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।